दोस्तों, आप अपने घर में इलेक्ट्रिक गीजर यूज करते हैं, आपने अपनी वायरिंग में अर्थिंग भी नहीं करा रखी है, आप RCCB का यूज भी नहीं करते हैं, तो समझ ले कि आपने एक बहुत बड़े हादसे को न्योता दे रखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी इलेक्ट्रिक गीजर हो, सभी के अंदर एक इमर्शन रोड, एक हीटिंग रोड होती है। इस हीटिंग रोड के अंदर एक एलिमेंट होता है, और यदि एलिमेंट कभी भी इसकी बाहरी सतह से टच हो जाता है तो गीजर के अंदर जो पानी होता है उसमें करंट आने लगता है। तो यदि इलेक्ट्रिक गीजर लगाकर टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो आप अपने गीजर को अर्थिंग कराकर रखें, या गीजर पर RCCB लगाकर रखें, और या आपके गीजर की जो पावर कोर्ड है इसका जो प्लग होता है, कुछ कंपनियां इसमें भी RCCB लगाकर देती हैं। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।